शाहिन आफरीदी और हारिस रऊफ के बाद चोटिल हुआ यह तेज गेंदबाज। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चोट के चलते टीम के स्टार शाहिन आफरीदी पहले से ही टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। अब अन्य तेज गेंदबाज को लगातार चोटिल होने की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हारिस रऊफ रावलपिंडी में चोटिल होने के बाद दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। वहीं अब युवा तेज गेंदबाज नसीम साबी चोटिल हो गए हैं। इस चोट की वजह से नसीम आज यानी 9 दिसंबर को मुल्तान में शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नसीम शाह के कंधे में चोट लगी है। रावलपिंडी टेस्ट में नसीम शाह पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज थे। उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लिया था। वहीं अन्य गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई की थी। यह टेस्ट मेहमान टीम ने 74 रनों से जीता था। रावलपिंडी टेस्ट के दौरान जब नसीम शाह बाउंड्री में थ्रो कर रहे थे तो कई बार असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पूरे मैच में गेंदबाजी की थी। नसीम शाह पहुंचने के बाद गंभीर चोट आई है। उन्होंने गुरुवार को ट्रेनिंग में गेंदबाजी नहीं की।